மஞ்சு சென்னை இஸ் டேக்கிங் டொனேஷன். ஜெய் சச்சிதானந்த், கே பூச்சனா சாத்தே ஹோ? அகர் இஸ் லைஃப் மே ஹம் டொனேஷன்ஸ் லே ரே ஹே தோ வோ க்யா டிஸ்சார்ஜ் கர்ம ஹே கி நியூ கர்ம ஹே? கௌன்சா டொனேஷன்? அப்னே ஃபைனான்ஸ் மத்லப் அப்னே ஜீவன் கே லியே, பச்சோ கி படாயி கே லியே, குச் லியே? அப்னே லியே ஹே டிஸ்சார்ஜ் கர்ம. और ऐसी भावना करने की मेरे पास कुछ आ गया तो मैं भी किसी को डोनेशन दू के हेल्प करूँगी. जब तक नहीं पॉसिबल है तब तक लो और हमारा जीवन का व्यवहार पूरा करो. लेकिन जिनसे ले रहे हैं उनको रीपे करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसे कुछ जरूर नहीं. वो तो दे दिया, उसने उसके पुण्य कमा लिया. देखो स्थूल में जब पैसा हम लेते हैं और वो सूक्ष्म में पुण्य कमा लेता है और हमारा पुण्य का हिसाब से वजह से ही हमें पैसा मिला तो इधर दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं. उसका देने का कर्म था, हमें लेने का कर्म था, दोनों खत्म हो गया. और हमारी नियत नहीं बिगड़ने के लिए हम भावना करते हैं कि हमारे पास भी जब पैसा आएगा तो मैं ऐसा डोनेशन दूसरे को दूंगी. अब नियत नहीं बिगड़ेगी और हम भी भविष्य में अच्छे पुण्य कैरी फॉरवर्ड करते हैं. समझ में आया? जी सर. के एस नगर अड्डी आपका है. पुण्य कमाने से क्या लाभ होता है, उससे हमारी प्रगति होती है क्या? नहीं, पुण्यक्षेत्र जाने से. पुण्यक्षेत्र में पूजा करने से कैसे लाभ होता है? अंतिम कल्याण के लिए अच्छा है क्या? एक्चुअली पुण्यक्षेत्र यानी तीर्थ क्षेत्र बोलते हैं. तिरुपति बालाजी है या बहु श्रवण बेड़गोला है तो कन्याकुमारी मीनाक्षी मंदिर में गए, मदुराई में. तो ऐसे जगह पे जाओगे तो आपकी भक्ति होती है. हाँ. और भक्ति से आपकी श्रद्धा है, ओह भगवान के दर्शन करूँगा, चलो अच्छा टाइम मिल गया मुझे. तो भक्ति से आप पुण्य का उपार्जन करते हो. हाँ. और वो पुण्य का हेतु क्या था? बस भगवान की भक्ति करनी है, संसार में शांति रहनी है, तो वो पुण्य का फल संसार में शांति मिल जाएगी. हाँ, आपकी ये भावना है कि मुझे मोक्ष चाहिए, मैं इस तीर्थ क्षेत्र में जाऊंगा, कोई संत महंत है, कोई ज्ञानी मिल गए, मुझे आत्मा का ज्ञान मिले, तो ये भावना से आप जाओगे तो आपका पुण्य मोक्ष का हेतु का वाला पुण्य बंधेगा. अच्छा. और वो बीज ऐसा होएगा कि भविष्य में ज्ञानी मिल जाए, आपको फायदा मिल सके. बाकी जनरली लोगों के पास ये दृष्टि रहती नहीं, मुझे मोक्ष चाहिए. अच्छा. तो संसारी पुण्य ही बांध लेते हैं और थोड़ा पाप भी बांध देते हैं. धक्का मुक्की हो गई, सारे धक्के मारते सीधे नहीं खड़े रहते, पाप भी बांध लेंगे. वो नहीं होना चाहिए. अच्छा. धक्का आ गया तो कोई बात नहीं, चलो भगवान का नाम लो, हरे हरे गोविंदा गोविंदा करो, मजा करो. पर द्वेष नहीं करना चाहिए. हम द्वेष कर दिया तो पाप बांध देंगे. हम भक्ति भाव में ही रहो, बाद में आओ. नेगेटिव भाव, द्वेष भाव, ये पैसे मांगते हैं ऐसे है, नेगेटिव कुछ भी मत सोचो. आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, कम देना है तो कम दो, पर बुरा भाव मत करो. तीर्थ क्षेत्र में गलत भाव करने से बड़ा पाप लग जाता है. घर में कुछ गलत भाव किए तो कम पाप लगेगा, तीर्थ क्षेत्र में ज़्यादा ज़्यादा खराब पाप, बुरा पाप ज़्यादा लग जाता है. हाँ, ध्यान रखना चाहिए. जय सच. मोहन राठौड़, हम प्रतिक्रमण करते हैं या पश्चाताप करते हैं, यह कौन करता है? क्या आत्मा ही करता है? क्या अंतस्करण यानी मन बुद्धि चित अहंकार का इसमें कोई रोल है? सचमुच अहंकार करता है. ये जो मोहन, मैं मोहन हूँ मानने वाला जो अहंकार है, उसमें यानी अहंकार दो प्रकार के हैं, एक चार्ज इगोइज्म, दूसरा डिस्चार्ज इगोइज्म. तो पहले मैं मोहन हूँ मानते थे, वो रॉन्ग बिलीफ थी, वो फ्रैक्चर हो गई और राइट बिलीफ बैठ गई, मैं शुद्ध आत्मा हूँ. ये राइट बिलीफ बैठने से प्रज्ञा शक्ति उत्पन्न होती है, जागृति ज्ञान की शक्ति, आत्मा की डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है प्रज्ञा शक्ति. मोहन तो अपनी जगह पे है ही है, वो मोहन वो डिस्चार्ज इगोइज्म है. मोहन के वाइफ है, बच्चे हैं, माँ बाप है, सास ससुर, सब रिलेटिव मोहन का है. तो मोहन के वजह से किसी को दुख हो गया तो अहंकार की वजह से हुआ बोला जाता है. तो प्रज्ञा शक्ति अहंकार को चेतावनी देती है कि आपने गलती की, आप माफ़ी मांगो. तो मोहन दिल से पश्चाताप यानी एगोइज्म ही एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने गलती की, मेरी गलती है, मैं माफ़ी मांगता हूँ. तो पश्चाताप करने वाला ईगोइज्म है मोहन का, और प्रज्ञा शक्ति ईगोइज्म के पास प्रतिक्रमण करवाती है. समझ में आया आपको? अच्छा, और एक प्रश्न है उसमें.
मैं डिस्चार्ज कर्म और न्यू चार्जिंग कर्म इनके बारे में कंफ्यूज हूँ, क्या दोनों साथ साथ चलते हैं, तो एग्जैक्ट डिमार्केशन लाइन क्या है? एक्चुअली क्या है कि अज्ञान दशा में तो दोनों साथ साथ ही चलते हैं, क्योंकि वो आम का फ्रूट भी खाएगा वो सीड भी डालेगा, एट ए टाइम चालू ही है उसका। ऐसे उसने समझ लो दान दिया, मैंने कितना अच्छा किया, बीज डालेगा, साला बहुत प्रेशर करते नहीं देना चाहिए, वापस बीज डालेगा। जितनी माइंड स्पीच बॉडी की एक्शन हो जाती है उसी टाइम मैंने किया, मैं ही मोहन हूँ मानना उसका बिलीफ में है ही है। रात को सोने के टाइम भी मैं सो जाता हूँ, मैं ही मोहन हूँ, मैं ही सो गया, तो मैं करता हूँ और मैं मोहन हूँ, वो रॉन्ग बिलीफ डिस्चार्ज कर्म में कंटिन्यूस है उसकी। तो एट ए टाइम डिस्चार्ज भी हो रहा है और नया चार्ज भी कर रहा है, वो अहंकार ही कर रहा है। अहंकार चार्ज करता ही है, जिंदा अहंकार चार्ज करता है, डिस्चार्ज अहंकार खत्म हो रहा है, एट ए टाइम दोनों चालू है। और ये ज्ञान के बाद आप भीतर से निशंक हो जाओ कि दादाजी ने हमारा चार्जिंग स्टॉप कर दिया, क्योंकि आप सचमुच मोहन हो कि सचमुच शुद्धात्मा, तो क्या बताओगे आप? शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा हूँ, तो आपको राइट बिलीफ सेट हो गई है और व्यवस्थित करता है साइंटिफिक सर्कमशल एविडेंस, यू आर नॉट डूअर एट ऑल। तो मैं कर्तापन छूट गया और मैं शुद्धात्मा जागृति मिल गई, तो नया चार्जिंग स्टॉप हो गया। अभी आप बोलते मुझे, मैं भूल गया था, मैं करता हूँ ऐसे मुझे लगता है, तो नहीं, एक बार शादी करने के बाद आप भूल गए काम में तो शादी डिस्कनेक्ट हो जाती है। हाँ, घर पे आओगे, अरे हाँ मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे, मैं भूल गया था काम में, तो इसका मतलब शायद डिवोर्स नहीं हो जाएगा, हमें वापस तो काम का फोर्स है, इसके लिए जागृति डिम हो जाती है, पर अनुभव प्रतीति खत्म नहीं हो जाएगी। जागृति कम ज़्यादा होती है, प्रतीति कम ज़्यादा नहीं होती, हो तो कॉन्स्टेंट 100% प्रतीति बैठ गई मैं शुद्धात्मा हूँ, यानी नए कर्म प्रतीति के वजह से चार्ज होते थे, रॉन्ग बिलीफ फ्रैक्चर हो गई, नए कर्म चार्ज होना 100% स्टॉप हो गया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सर, माय नेम इज तपेश, आई जस्ट केम फर्स्ट टाइम हियर। व्हाट आई हर्ड हियर ऑल दिस थिंग्स इज लाइक होल आवर थ्योरी इज बेस्ड ऑन द रीबर्थ, राइट? Is there any way to get to know, to get some proof that it is the theories, 100% scientific proof? That's yeah, proof ho sakta hai. Dadaji ko aise pucha tha ek scientist ne, ki rebirth hai ya nahi. Dadaji bataya, haan hai, hi hai. Mujhe proof do. To aap scientist hai, main short mein batata hoon, aap samajh jana. To aap bhi scientist ki drishti se thoda samajh loge, to aapko samajh mein aa sakta hai. एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ये माइंड स्पीच एंड बॉडी आर इफेक्टिव, कैन यू एग्री फॉर दैट? माइंड इफेक्टिव है कि नहीं? किसी ने इंसल्ट किया, अभी इंसल्ट किया, दो दिन के बाद वापस याद आता है, मन में दुख होता है। स्पीच इज इफेक्टिव, बॉडी इज इफेक्टिव, ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, तो माइंड स्पीच बॉडी आर इफेक्टिव। अभी ये आपकी 25 साल की उम्र होगी, तो इस लाइफ में, इस उम्र में भी इफेक्टिव है, तो बचपन में इफेक्टिव नहीं होगी, तो बस गर्भ में भी इफेक्टिव है, माइंड स्पीच बॉडी गर्भ में भी इफेक्टिव है। तो अभी साइंटिस्ट की दृष्टि क्या है कि कोई भी इफेक्ट कॉजेस के बिना नहीं हो सकती, तो जो भी इफेक्ट भुगतनी पड़ती है उसके कॉजेस होने ही चाहिए। जैसे बर्थ में उसको हार्ट में होल है, उसका लीवर डैमेज निकला, उसकी पैरालिसिस आया या रिटार्डेड चाइल्ड आया, तो उसके कर्म बिफोर बर्थ होना चाहिए कॉजिस, तो इसको इसी इफेक्ट भुगतनी पड़ती है। तो कॉजिस एंड इफेक्ट, तो इफेक्ट भुगतने टाइम समझो छोटा बच्चा है, उसको कोई बिटर मेडिसिन दिया करते रहता है, और स्वीट दिया तो खुश होके चूस लेता है, तो ये राग द्वेष करता है, तो राग द्वेष वो कॉजिस है और ये इफेक्ट है। तो सारी लाइफ में जितने भी राग द्वेष होते रहते हैं वो इफेक्ट कॉजेस कलेक्शन होता है, और नेक्स्ट लाइफ में इफेक्ट भुगतने, यानी फ्रॉम बर्थ टू डेथ हम इफेक्ट भुगत रहे हैं, और एट ए टाइम इग्नोरेंस से हम राग द्वेष करते हैं तो नए कॉजेस चार्ज करते हैं। तो कॉजेस एंड इफेक्ट, इफेक्ट एंड कॉजेस, कॉजेस एंड इफेक्ट, ये बर्थ एंड रीबर्थ की साइकिल का स्वरूप है। तो अभी इसको स्टॉप करना है तो हमें क्या करना चाहिए?
हम कॉजेस को स्टॉप करना चाहिए या इफेक्ट को स्टॉप करना चाहिए, हमें साइकिल में से ब्रेक निकल जाना है तो क्या करना चाहिए? इफेक्ट, यू कैन नॉट चेंज इफेक्ट, यू कैन नॉट कंट्रोल इफेक्ट, यू कैन चेंज योर कॉजेस, यू कैन स्टॉप योर कॉजेस। तो आप कॉजेस स्टॉप कर दिए तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट आपको भुगत लिया, नया कॉजेस नहीं किया तो नेक्स्ट लाइफ में नई इफेक्ट नहीं आएगी। तो ये इफेक्ट है, वही रीबर्थ लेना, इफेक्ट के वजह से कॉजेस जो डाल दिए हैं, कॉजेस इफेक्ट में आने की तैयारी में है, इसके लिए हमें रीबर्थ लेना पड़ता है। जिसके कॉजेस ख़त्म हो गए, इफेक्ट उसने भुगत ली, नए कॉजेस डाले नहीं है, तो इसको रीबर्थ नहीं हो सकता है। नो, बट इफ इट इज़ ए प्योर साइंस लाइक, देन व्हाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव दिस? इट इज़ लाइक इट शुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टू एनी लेमैन, एंड इट शुड बी वेरी इजी टू प्रूव दैट ऑल्सो, ओके दिस पर्सन डिड ऑल दिस थिंग्स इन हिज लाइफ सो दैट इट अगेन गेट इन टू द सम अदर बॉडी, and if this person has not done anything in his life, he is getting got moksha. So why it is so difficult to understand, why it is difficult to nahi magar wo college mein hum gaye kahan pe, hum 4th standard mein ek college ka course hai, phd ka course hai, phd mein jaoge to ye course bhi aapko mal jain shastra mein sab detail bataiye hai, magar iske professor hona chahiye na, isme jo likha hai samajhne ki baat bhi hai, to ye ek course, टीचर, सिलेबस सब हमें नहीं मिलेगा तो हमारे पास ये नॉलेज भी नहीं आ सकता है। तो इसके टीचर होने चाहिए, इसका कोर्स हम स्टडी करेंगे तो ये जितने भी बैठे हैं ये लोग और हमारे सत्संग वाले सभी लोग ये कोर्स अभी स्टडी कर रहे हैं और इनको एक्सपीरियंस में भी आता है कि हमारा मन वचन काया हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसके देखने वाले जानने वाले, हम अकर्ता भाव में हैं और ये अनुभव भी कर सकते हैं। क्योंकि ये ज्ञान मिला तो ये बात भी उनको अनुभव में आती है, पहले ज्ञान मिला ही नहीं था तो कैसे मालूमत हो जाएगी? समझ में आया आपको? और जो हम संत महंत हमें बताते हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं बताते, धर्म का ज्ञान बताते, बुरा छोड़ो अच्छा पकड़ो, बुरा छोड़ो अच्छा पकड़ो, और तत्व की ज्ञान की बात उनके पास भी अधूरी है या उनके पास अनुभव में नहीं है, इसके लिए हमें भी प्राप्त नहीं हो पाती है। दादा भगवान जैसे ज्ञानी पुरुष हुए, उन्होंने सारी बात अनुभव में, उनके अनुभव में आई और बाद में अनुभव ज्ञान दूसरे को बांट सके, यानी ये जो आप बताते हैं ये अभी बहुत आसान हो गया है, ये जो आप बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट है, मगर उसके ज्ञानी हैं इसके लिए बहुत आसान है, और ज्ञानी नहीं मिलते थे तो ये डिफिकल्ट, हजार बार डिफिकल्ट लिखो इतना डिफिकल्ट है। No, like to get into deep, it is difficult. Like if you do engineering course or any medical course, right? You need to get into the deep. But people, even a first year student, right? He knows that what is the pain. If something he can experience very easily, but it's very difficult to experience the source. Even you are a first standard guy, right? It should be easy to experience the soul or to get to know that okay, you are. This is the rebirth. is still you don't need to do PhD to get to know some simple theory on which whole literature is based. Actually क्या गलती क्या हो गई, मोक्ष यहाँ से एयरपोर्ट आधा घंटा दूर था, हाफ एन आवर, हमको लगा इधर है, हम गए 20 घंटे दूर, आधा ही किलोमीटर दूर था, हम 50 किलोमीटर दूर चले गए, अभी ये डिफ़िकल्टी क्यों आ गई कि हम उल्टे गए हैं, ये ट्रैफिक हमको अभी तकलीफ़ कर रहा है, नहीं तो आधा घंटा ही था, आधा किलोमीटर ही था, हम पास में ही था, आराम से पहुंच सकते थे, मगर हमको कोई ज्ञानी सच्चा नहीं मिला, वो बोलते हाँ आगे जाओ, अरे हम उल्टे रास्ते पे आगे बढ़ गए, इसके लिए हमें ट्रबल हो रही है अभी। नहीं तो मोक्ष तो खुद का स्वरूप है, आत्मा खुद ही है, फिर क्यों हमें इतना टाइम लगता है? और इंजीनियरिंग तो हम पढ़ना पड़ता है, क्यों? आप रिजल्ट में इंजीनियर नहीं थे, इसके लिए इंजीनियरिंग पढ़ने में आपको 20 साल जाते हैं जीवन के, और आप इंजीनियर होते हो, और आपको आत्मा होना है तो 20 साल नहीं, एक ही घंटे में हो जाते हो, क्योंकि आप आत्मा है ही है, उसके ज्ञानी मिलना चाहिए, आत्मा के ज्ञानी मिल गए तो विद इन 2 आवर्स यू कैन रियलाइज योर सोल एज वेल एज यू कैन रिमेन इन द स्टेज ऑफ प्योर सोल। सो अनुभवी ज्ञानी मिलना चाहिए। आई जस्ट केम हियर एंड सो व्हेन आई कैन गेट योर 2 आवर्स टुमारो 5 o'clock यू कम। वो शादी कराते हैं कि नहीं, शादी किया है आपने? तो
तो कितना घंटे में होता है शादी? गौर महाराज बैठेंगे, स्वाहा शांति कुछ बुलाता है, एक घंटे में हो गया। पर आगे 2-3 घंटा चाहिए, पीछे 2-3 घंटा चाहिए, ऐसे 3-4 घंटे लेके आओ कल, और बाद में मेरे आने के बाद में 2.5 घंटा जाएगा आपका, उसके आगे पीछे आधा घंटा इधर उधर जाएगा। तो 5:30 से 8:30 तक आपको, क्या नाम बताया आपका? तपेश। तपेश, तो तपेश को अलग कर देंगे, है ना, बिलीफ में मैं तपेश हूँ, रॉन्ग बिलीफ छुड़ा देंगे, और मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, राइट बिलीफ आपको प्राप्त करा देंगे। तपेश अपनी जगह पे रहेगा, आपकी रॉन्ग बिलीफ छूट जाएगी, मैं तपेश हूँ। ये ब्लंडर्स तोड़ देते हैं, मिस्टेक आपको निकालनी है। जैसे पाँव को सर से पाँव तक हमें बांधा है खंभे के ऊपर, तो हम क्या करते, एक दोरा काट दिया ऐसे, बाद में आपको एक ही काट दिया तो इनफ है, बाद में तो आप ऐसे ऐसे करके निकल सकोगे कि नहीं? तो ये एक दोरा काट देंगे कल तुम्हारा, बाद में आपको मुक्ति का अनुभव शुरू होएगा, बाद में मिस्टेक आपको निकालनी होगी, ब्लंडर्स तोड़ देंगे आपको टुमारो। I'll get a proof for a rebirth, yeah, right? आप जरूर आइए। Sure, thanks. और बाद में ये आपने जो 50 माइल दूर गए हैं, तो वहाँ से हम जो आपको एड्रेस देते हैं, रोड मैप देते हैं, वो फॉलो करके आप पहुँचोगे, तो 50 माइल प्लस हाफ एन माइल ये 50.5 माइल में वापस आप एयरपोर्ट पहुँच जाओगे। तो ऐसे ही उल्टा गया वो वापस आने का बाकी है, बाकी आत्मा तो आपके भीतर में है ही है, वो बिलीफ में आ जाएगा, जागृति में आ जाएगा। अभी ये जो उल्टे गए उतना वापस आना होगा, हमारे मन बुद्धि चित अहंकार वो कितना उल्टा गया उसके ऊपर से अनुभव में आता है, कितनी मन में ग्रंथियाँ है, बिलीफ है, बुद्धि में कितनी बिलीफ है, अहंकार में कितने, वो सब स्टॉक है, वो कितना रॉन्ग कलेक्शन हमने इकट्ठा किया है वो है, उसको संभाव से कैसे निकाल करें और हम आत्मा में कैसे आ जाए उसकी चाबी आपको बता देंगे टुमारो। समझ में आया आपको? माइक में बोलिए। इज इट दैट आफ्टर हैविंग नोन द ट्रूथ ऑफ दिस लाइफ ऑब्जर्विंग ऑल एज अ हैपनिंग एंड दैट सुप्रीम डिवाइन फोर्स विच इज द सोर्स ऑफ अवर एग्जिस्टेंस इज डूइंग एवरीथिंग एंड ऑल अवर एक्शंस आर from this source and leading such a life as a gift, is it the right approach? Please guide. No, that source is not doer at all. So we have to find out who is the real doer, and tomorrow in Gnan Seminary we are giving that knowledge, who are you really and who is the real doer, because doership is biggest egoism. I am doer is a egoism, and ego is, when you have egoism you cannot realize your pure soul. So we have to know who is real doer, then only our egoism will dissolve. And who am I, then only our egoism will dissolve. Other thing is okay. Still, see, we are believing that some source is there and I am energy getting from that source. But really, you are pure soul. You are not separate from other things, but you are believing that I am ladies and I am mother, I am daughter and I am wife. That's why you feel that source is, pure soul is different and I am different. Once you realize, you are really pure soul. So we have to dissolve our discharge karma with equanimity. That is only our real effort after Gnan ceremony. Sampurna. उज्जैन सामाई क्या है समझा कर बतलाइए। सामाई ये अक्रम ज्ञान क्या है कि हमें कर्म खत्म किए बिना, कर्म क्षय किए बिना आत्मा का ज्ञान मिल गया है। तो कर्म की ग्रंथियां लेके आए, क्रोध है, मान है, मोह है, विकार है, लोभ है, कपट है, तो ये ग्रंथियों को ख़त्म करना है हमें। तो सामायिक में हम आत्मभाव में बैठ के क्रोध के जो जो दोष हो गए उनको देखते हैं, तो देखने से उतने लेयर्स चले जाते हैं, क्योंकि आत्मा तन्मय आकार होने से कर्म बंधन किया था, ज्ञाता दृष्टि से रहने से कर्म की मुक्ति होती जाती है। तो एक घंटा हम दोषों को देखते हैं ज्ञाता दृष्टा भाव में जी रह के, तो उससे वो दोष सब चले जाते हैं। तो इसे इसको सामायिक बोला जाता है। जैसे ज्ञान लेने के बाद भी कई बार बच्चों पे क्रोध करते हैं,
तो उनका भी क्या सामयिक में देख के माफी मांग? हाँ, अक्रम में तो दो प्रकार है, संपूर्ण को प्रतिक्रमण करने को बताओ और आप उसके ज्ञाता दृष्टा रहो। अच्छा, तो ये प्रतिक्रमण करेगी और आप उनको देखोगे तो आप वो देखने से ही कर्म क्षय हो जाता है। जितने कर्म परिणाम को आप देखते जाते हो, परिणाम खत्म होते जाएंगे, पेंडिंग नहीं रहेंगे। जी, समझ में आया आपको? जी जी। और चरण विधि? कभी कभी चरण विधि मतलब जल्दी जल्दी कर देते हैं, कुछ काम रहता है तो मीन्स इट इज समटाइम्स नॉट इन रेगुलर प्रोसेस। मगर समटाइम्स है ना, कितने 10 में से 2 बार की 1 बार नहीं, जैसे डेली टाइम डिसाइड नहीं कर पाते हैं और समटाइम्स इट इज गोस वेरी फास्ट कि नहीं ये काम करना है इसलिए इसको जल्दी ख़त्म करना है। ठीक है, मगर धीरे धीरे आप, ये प्रकृति कैसी है, नियम वाली है। जी, आप नियम करोगे कि नहीं मुझे सुबह इतना टाइम, भले ऐसे कोई नियम नहीं है, 4 से 6 में ही करना चाहिए। जी, और आप अपनी अनुकूलता रखोगे, 6:30 से 7 में थोड़ा टाइम रहता है, बच्चे लोग सोए रहते हैं तो मैं पूरी करूँगी चरण विधि, तो ऐसे कुछ टाइम करोगे तो अपने आप सेटिंग हो जाएगा। तो क्या सुबह? और नॉट नेसेसरी मॉर्निंग में ही करो, कभी आफ्टरनून में भी कर सकते हो, 2 से 3 में 2 रोज करो, 1 बजे खाना खाया बाद में 1 घंटा बैठ के सब विधियाँ कर लो तो भी चलेगा। तो क्या सुबह जो 4 से 6 का टाइम होता है, कैसा कहते हैं विदेश क्षेत्र के जो, हेतु क्या है कि सब लोग दूसरे वाइब्रेशन नहीं रहते, किसी कोई आपको याद नहीं करेगा, आप किसी को याद नहीं करो तो शांति रहती, नो वाइब्रेशन। अच्छा, तो भगवान के साथ अनुसंधान करने में अच्छा रहेगा, मतलब उनके साथ अपना अनुसंधान सही। हाँ, बाकी नहीं तो चित्त की आपकी एकाग्रता जब भी रह सकती है तो कोई भी टाइम आपके लिए अनुकूल है। अच्छा, रात को करो, दिन में करो, कभी भी कर सकते हो। जी, जय जय सच्चिदानंद।